सीरियल अनुपमा में किंजल के ऊपर बड़ी मुसीबत आ चुकी है और अब ऐसा कदम उठाएगी किंजल जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। बेचारी किंजल पर इतना कुछ बीत रहा है कि किसी को इस बात का अंदाजा तो है लेकिन कि उसके ऑफिस में क्या हुआ इस बात की भनक सिर्फ अनुपमा को लगी है। लेकिन जब तक वो इसके बारे में पता करेगी किंजल ऐसा कदम उठा लेगी जो घर वालों को तगड़ा झटका देगा। आने वाले एपिसोड में काफी कुछ ड्रामा होगा जिसमें कि अब किंजल के साथ उसका बॉस बकतमीजी करने की कोशिश करेगा और वो गुस्से में आकर उसे 2-4 थप्पड़ तो मारेगी लेकिन वो इतना डिस्टर्ब हो जाएगी क्योंकि एक तरफ उसे तोसु छोड़कर चला गया है और उससे दूर रह रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर अब जॉब चली गई और घर में पहले से ही पैसों की तंगी है और घर वाले परेशान है इस चीज से। तो किंजल किसी को ये बात बता भी नहीं सकती है और वो अंदर ही अंदर इस बात से जूझ रही होगी कि ना उसके पास जॉब है ना ही उसका पति है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी जिंदगी में है, परिवार उसका साथ है लेकिन उनको वो प्रॉब्लम नहीं बता सकती। अनुपमा को इस बात का अंदाजा तो है और वो इस बारे में पता करने की कोशिश करती है कि किंजल और तोसु के बीच में झगड़े की वजह नहीं है कि किंजल रोते हुए घर आए और वो इस बात को पता करने की कोशिश करने वाली है। लेकिन उससे पहले ही किंजल कुछ ऐसा कदम उठाने की कोशिश करेगी जिसकी वजह से घर वालों को तगड़ा झटका लगने वाला है। वो इतनी परेशानियों से परेशान होकर अपने आप को खत्म करने की कोशिश करने वाली है और यही सबसे बड़ा हादसा किंजल के साथ होने वाला है जो अनुपमा के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर देगा। किंजल को इस तरह से परेशान होते देख यहाँ पर वो अपने आप को खत्म करने की कोशिश करेगी लेकिन लास्ट मोमेंट पर अनुपमा उसे बचा ही लेगी। लेकिन अब अनुपमा इस बात से उसे पूछेगी कि आखिर हुआ क्या है, तुम बताओगी, और उसके बाद ने सारी सच्चाई खुल के सामने आएगी कि उसके बॉस ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। लेकिन अनुपमा इस बात को संभालेगी और उसके बाद उसके बॉस का वो हाल करने वाली है जो जिंदगी भर याद रखेगा कि किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है वो। तो अनुपमा और वनराज दोनों ही अब किंजल के बॉस की ऐसी हालत करेंगे जो उस जिंदगी भर याद रखने वाला है और किंजल के लिए बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। किंजल के साथ वे इस हादसे से सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक कि तोशु भी परेशान हो जाता है और राखी दवे भी। लेकिन किंजल इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं है कि वो इस घर को छोड़कर जाए। तो अनुपमा भी इस हालत में उसे अकेले नहीं रहने देना चाहती तोशु के साथ, इसीलिए तोशु से रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो आपस इस घर में आके रहे कुछ दिनों के लिए और जब किंजल ठीक हो जाए तो उसको साथ लेकर जाए। तो अब देखना है कि अभी किंजल को क्या तोशु किंजल के लिए वापस इस घर में आके रहेगा, देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेल, काफी कुछ ट्विस्ट होंगे सीरियल में, तो देखना ना भूलें और इसका अपडेट हमारे चैनल पर मिलेगी। तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब।